जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। व्हाट्सएप सरकार के फैसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुका है। अब ये मामला है क्या पूरा, आइए जानते हैं। आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर सरकार ने कई तरह की रूल एंड रेगुलेशन लागू कर दिए थे। इसी को लेकर व्हाट्सएप ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। व्हाट्सएप ने भारत के सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया है, जिसमें आज से लागू होने वाले नए आईटी नियम। अब नए आईटी नियम क्या थे कि सभी का एक फिजिकल, जैसे ऑफिस एड्रेस होता है, इंडिया के अंदर प्रेजेंट रहेगा, एक ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनमें रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारे नियम अभी तक किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट ने फॉलो नहीं किए हैं। उसी को लेकर व्हाट्सएप 25 मई को फाइल दायल की है। अब व्हाट्सएप मैसेंजर ने क्या कहा है कि ये यूजर्स की प्राइवेसी, जो प्राइवेसी है उसको प्रभावित होगी, इससे यूजर की प्राइवेसी को खतरा होगा। अब क्या ये प्राइवेसी को सच में खतरा है? क्या व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियां इसको इतना सीरियस ले रही हैं? देखिए, प्राइवेसी एक स्टार्टिंग से ही एक इशू रहा है, और आप सभी को पता है कि फेसबुक जितना कंसर्न है प्राइवेसी को लेकर, उसमें डाटा कितना सुरक्षित है। इज राइट टू प्राइवेसी ए फंडामेंटल राइट? अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी प्राइवेसी है, क्या ये फंडामेंटल राइट है इंडिया में? जी हाँ, 21 आर्टिकल 21 के तहत ही कोर्ट ने माना है कि प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट के तहत ही आता है। अब व्हाट्सएप क्या करेगा, जो ये क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज में ही इसको अपना डाटा सेव करना पड़ेगा। हर एक मैसेज का, जैसे कोई मैसेज जा रहा है, हर एक मैसेज का एक ट्रेस रहता है, और उसी को उसको एक स्टोरेज हब चाहिए सभी मैसेज को सेव करने के लिए। अभी तक क्या होता था कि व्हाट्सएप कोई भी मैसेज सेव नहीं करता था, अभी हर एक मैसेज को सेव करना पड़ेगा, उसके लिए उसको स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, मैन पावर ज़्यादा चाहिएगी। तो इसी को लेकर अभी ये मामला कोर्ट पहुंच गया। अब कोर्ट ने इस पर क्या कहा, कोर्ट ने अपना ऑर्डर देते हुए कहा है, जो व्हाट्सएप फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये सारी साइट ये चाहती हैं कि ये अभी एक्ट लागू ना हो, बट कोर्ट ने साफ कह दिया है कि प्राइवेसी संविधान से ऊपर नहीं है, और जो भी मामला आएगा सभी का आपका मैसेज ट्रैक नहीं किया जाएगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से किसी स्पेशल यूजर के लिए रिक्वेस्ट आएगी, सिर्फ उसी का मैसेज यहाँ पे ट्रेस किया जाएगा। सो ये प्राइवेसी के लिए खतरा नहीं है, कोर्ट ने साफ कह के अपना आंसर इनको दे दिया है। और ये कंपनियां भी दिख रही हैं, आज शाम तक जो भी खबर मिली थी कि ये मानने को रेडी हैं। धन्यवाद, देखते रहिए और सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।